हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक माँ और बेटी का बहादुरी वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस साहसी कार्य में मार्शल आर्ट में कुशल एक महिला और उसकी छोटी बेटी ने हैदराबाद के बेगमपेट में अपने घर पर डिलीवरी कर्मचारी होने का नाटक करने वाले दो हथियारबंद लोगों द्वारा डकैती के प्रयास को विफल कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले दोनों संदिग्धों ने पहले से ही घर का पता लगाने के बाद उसे लूटने की योजना बनाई थी। उनकी योजना पिछले दिन दोपहर 1 बजे के आसपास सामने आई, जब उन्होंने डिलीवरी एजेंट के रूप में खुद को प्रस्तुत किया और घर में प्रवेश किया। हालांकि घर की मालकिन अमिता महनोत मौजूद थी, एक नौकर पैकेज लेने गया। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्ति, जिसमें एक ने हेलमेट पहना हुआ था और दूसरे ने अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर नकाब पहन रखा था, लूट के इरादे से जबरन घर में घुस गए। संदिग्धों में से एक रसोई में गया और चाकू से नौकरानी को धमकाने लगा, जबकि अमिता की किशोर बेटी ने बहादुरी से दूसरे घुसपैठिए का सामना किया, जिससे उनके बीच हाथापाई हुई। 46 वर्षीय अमिता ने डकैती का प्रयास का विरोध करने में अपनी बेटी का साथ दिया। झगड़े के दौरान एक संदिग्ध ने घर में बनी हुई पिस्तौल निकाली और माँ और बेटी दोनों को डराने की कोशिश करने लगा। हालांकि अपने मार्शल आर्ट कौशल का लाभ उठाते हुए अमिता ने उसे निहत्ता कर दिया और वार करके उसे भगा दिया। शोर शराबे से पड़ोसी सतर्क हो गए और वे मदद के लिए दौड़ पड़े। वे एक संदिग्ध को पकड़ने में कामयाब रहे, जबकि दूसरे को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।